हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं भंडारे वाली आलू की बहुत ही चटपटी सी सब्जी और उसके साथ मथुरा की प्रसिद्ध बेड़वी पूरी की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। दोस्तों, ये जो पूरी होती है बहुत ही क्रिस्पी बनती है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा किचन। मैं हूँ मीनाक्षी। तो दोस्तों, मिलके बनाते हैं आज हम ये बढ़िया सी रेसिपी। रेसिपी आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। पूरी बनाने के लिए सबसे पहले दाल तैयार करेंगे। एक कप उड़द की धुली दाल है, जिसे हमने पूरा ओवरनाइट भिगो दिया था, अच्छे से धो लिया है। इसे हम मिक्सिंग जार में डाल देंगे और इसमें अब जाएगा अब एक पिंच अदरक का टुकड़ा, 2 से 3 हरी मिर्चें और इसका लेट लगा के इसे हम पीस के तैयार कर लेंगे। तो पानी बाद में ऐड करेंगे ज़रूरत के हिसाब से। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच पानी, अंदाजे से पानी डालेंगे और इसका लेट लगा के इसे दोबारा से पीस लेते हैं। बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, दरदरा पीसना है, जिससे पूरी में अच्छी क्रिस्पनेस आती है। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा टेक्स्चर दाल का है, बिल्कुल इस तरीके का हमें पेस्ट तैयार करना है। तो हमने यहाँ लिया है 500 ग्राम गेहूँ का आटा लिया है यहाँ, और ये डाल दी है इसमें दाल। तो दाल से हमें आटे को गूंदना है। नमक डाल देंगे आधा चम्मच, स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। 1 चम्मच भुना हुआ जीरा है, जिसे दरदरा पीस लिया था। यहाँ डालेंगे हम सौंफ पाउडर, 1 चम्मच पाउडर है ये। यहाँ लाल मिर्ची डाल देंगे 1/4 चम्मच। इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल, जिससे पूरी बहुत अच्छी करारी बनती है। दाल से आटे को हमें गूंदना है, बाद में पानी ऐड करेंगे अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो। यहाँ मैंने 1 कप पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, गुनगुना पानी है, ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करेंगे। अच्छे से मिला के बहुत अच्छा डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ दोस्तों, इसमें थोड़ा सा हम ऑयल और डाल देंगे, ताकि जो आटा है हमारा ऊपर से उसकी लेयर हार्ड ना हो, सॉफ्ट बनी रहे। तो अच्छे से गूंद लेंगे और इसे हम ढक के रख देंगे। इतने हम आलू की सब्जी तैयार कर लेते हैं। अपनी सब्जी बनाने के लिए यहाँ 500 ग्राम उबले हुए हमने आलू लिए हैं। आलू को हम हाथ से फोड़ के तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ दोस्तों इसे नाइफ से भी कट किया जा सकता है। ये आलू की सब्जी बेहद लाजवाब बन के तैयार होती है। इसे बनाने के लिए हम कढ़ाई में डाल देंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल। ऑयल अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए, इसमें जाएगा 1/2 चम्मच जीरा। जीरा चटकना स्टार्ट हो जाए, 1 पिंच हींग डाल देंगे, जिससे आलू की सब्जी बेहद टेस्टी बनती है। यहाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी, जो मेथी दाना है वो इस सब्जी का मेन इंग्रेडिएंट है, जिससे ये सब्जी बहुत ही लाजवाब बनके तैयार होती है। जीरा और मेथी जब भुन जाए तो यहाँ डाल देंगे हम तेज पत्ते के लीव्स, 4 टमाटर, अदरक हरी मिर्ची का ये पेस्ट है जो हमने पहले से तैयार किया हुआ था। इसे डाल के स्पैचुला से अच्छे से चला लेंगे। फ्लेम को यहाँ लो टू मीडियम रखेंगे। अब बारी है इसमें मसाले ऐड करने की। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। यहाँ डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच सौंफ पाउडर, 1/2 चम्मच जाएगा इसमें धनिया पाउडर, इसके साथ ही इसमें जाएगा 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। साथ ही डाल देंगे इसमें हम 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची, जो कि आलू की सब्जी में एक बढ़िया सा कलर देगी। स्पैचुला से चला लेंगे, फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और मसाले डालने के बाद जब इसमें ऑयल रिलीज़ हो जाए, उसके बाद इसमें हम आलू ऐड करेंगे। तो यहाँ डाल देंगे हम नमक, 1/2 चम्मच नमक है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये उबले हुए आलू हैं जो डाल देंगे जब इसमें ऑयल रिलीज़ हो जाए, आलू पे मसाले की कोटिंग हो जाए, अच्छे से चला ले स्पैचुला से। तो ये देखिए दोस्तों, कितनी बढ़िया सी हमारी ये आलू की कोटिंग हो चुकी है, थोड़ी मसाले की कोटिंग हो चुकी है। 1.5 कप पानी डाल देंगे। पानी आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कई बार लोगों को थोड़ा पतली आलू की सब्जी पसंद होती है, कई बार गाढ़ी पसंद होती है। तो स्पैचुला से चलाते हुए एक बॉयल आने दें और यहाँ हम फ्लेम को लो रख के 20 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि सब्जी अच्छे से तैयार हो जाए। 20 मिनट हो चुके हैं, सब्जी चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया सा इसमें कलर आया है आलू की सब्जी में हमारा। बहुत ही ज़बरदस्त सब्जी बन के तैयार होती है ये। अच्छे से चलाएंगे इसे। ये देखिए दोस्तों, अब इसमें जाएगा लास्ट में गरम मसाला। तो यहाँ मैं गरम मसाला डाल दूंगी 1/2 चम्मच। यहाँ फ्रेंड्स, इसमें डाल देंगे अब हम कसूरी मेथी, हाथ में रख के हल्का सा क्रश करके डालेंगे तो सब्जी में एक अच्छा फ्लेवर देगी। बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, धनिया डाल के आलू की सब्जी बहुत अच्छी बन के तैयार होती है, तो धनिया ज़रूर डालें। तो सब्जी हमारी रेडी है, गैस ऑफ कर देते हैं। आटा चेक कर लेते हैं पूरियों का।
तो आटा भी हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। इसे हल्का सा हाथ से इस तरीके से हम गूंद लेंगे। ये देखिए अब हम पूरियां बनाएंगे, जिसके लिए हमने ऑयल को प्री हीट किया हुआ है। चकला रखेंगे और एक पेड़ी तोड़ेंगे। तो पेड़वी पूरी जो होती है वो थोड़ा बड़े साइज़ की होती है, तो हम बड़ी पेड़ी तोड़ेंगे। इस तरीके से तोड़ लेंगे और इसे हम बेल के तैयार कर लेंगे। हाथ से इस तरीके से करें और उसके बाद चकले पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, ये देखिए, ताकि हमें बेलने में कोई दिक्कत ना आए। बड़ी साइज़ की हमें बेलनी है, जैसे कि मैंने आपको कहा है, इस तरीके से हम बेल के तैयार कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया से बेल के तैयार हो चुकी है। हाथ से थपथपाएं, उसके बाद इसे हम कढ़ाई में जैसे ऑयल गर्म हो जाए डाल देंगे। इस तरीके से ऑयल का टेम्परेचर आप पहले से चेक कर ले, थोड़ा सा आटा चेक कर ले डाल के, जो तैर के ऊपर आया जाए तो ये आटा हमारा, सॉरी ऑयल हमारा अच्छा टेम्परेचर पे है। तो इस तरीके से इसे हम चला लेंगे। ये देखिए अच्छे से एक गोल्डन कलर आने दें और इसे हम अलटते पलटते तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त पूरी बन के तैयार हुई है। देखिए है ना, बहुत ही बढ़िया पूरी हमारी, फूली फूली पूरी बन के तैयार हुई है। ऐसे ही हम दूसरी वाली भी बेल के तैयार कर लिए पहले से, इसे भी हम ऑयल में डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों ऑयल के अंदर जाते ही ये भी फूलना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से दबा दबा के इसे हमें हल्का सा झंडी लगाते रहें और इसे हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों ये दूसरी वाली पूरी भी बहुत ही बढ़िया करारी और फूली फूली बन के तैयार हुई है। इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए क्या ज़बरदस्त हमारी पूरी सब्जी तैयार हुई है। और आलू की सब्जी में आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा है ना ज़बरदस्त। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। साथ मैंने इसमें सर्व किया है गाजर और शलगम का ये मिर्ची का अचार, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है, आप ज़रूर देखिएगा। ये देखिए कितनी अच्छी पूरी सब्जी हमारी बन के तैयार हुई है, लाजवाब रेसिपी। तो दोस्तों ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये देखिए एक बार खाएंगे ना तो खाते रह जाएंगे। और बनाना आप देख सकते हैं कितना आसान है। तो जब भी आपका भेड़वी पूरी खाने का मन करे तो घर में ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।